फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे हैं 1:30। मेरी इसलिए इतनी जल्दी आँख खुल गई क्योंकि आज हमने ना जो ऑनलाइन मंगवाए हैं, मतलब हमारे आईब्रो वगैरह कराने लगे, वो आने वाले हैं 2 दिन से। वो लेट, मतलब हम लोग लेट होते जा रहे हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आज मैंने कहा आज नहीं कैंसिल होने देना, आज तो वो आए जाएँ। तो उनका हमने अपॉइंटमेंट टाइम लिया है 5 या 5:30 का। तो मैंने कहा अभी अगर मैं थोड़ी देर और सोगी ना तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे क्या सोचेंगे वो भी, कैसे इंसान है। आज तो उठी गई, मैंने कहा चलो आज तो हो ही जाए। तो अभी दीदी और मम्मी गए पीटर को फ्रेश करवाने, मैं तब तक ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो ये लड़की ने फुल अभी तेल गरम किया है तो उसमें हाथ डाल के आई है। कौन से फिल्म का डायलॉग बाकी आई है? कुछ नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। देखते हो झूठ कहाँ है? दिखा इधर, इधर 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 दिखाऊं मैं सबको तेरी सच्चाई। हाथ मत लगाना। क्या है ये? लालू अंदर नहीं। क्या है ये? झूठ बोली, मैं पानी पीने जाने वाली थी, हाथ तेल में चला गया। पानी पीने में कटोरी में मैंने रखा है पानी थोड़ा सा, कि हाथ लगा लगा के आटे को गीला करना। क्या बना रही है? पूरी दोपहर में मेंटल। और पहले जो हमने जो ऑनलाइन बुक किए थे ना, वो बोल रहे कि आपने 2 दिन से कैंसिल किए, हम आपके घर नहीं आएंगे। अब बोल रहे हैं कि हम 5:30 आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, हमारी शेप कैसी बनाते हैं, क्योंकि एक आईब्रो ही होता है, इसकी वजह से आपका पूरा फेस गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और भैया आए हैं इसको चोरी चोरी देखने के लिए, और ये कुत्ता देख रहा है भैया को। तो आज इसने फर्स्ट टाइम इस घर में ये भी चीज बनाई है कि पूरियां। काफी दिन से बोल रही थी आज बनाओ आज बनाओ, और वो भी दोपहर में। मैंने बोला था चाय मत दे, मलाई होती ना वो दे दे, पर वो बोली वो खट्टी है तो उसका घी निकालूंगी। कहा ठीक है चल एक दिन मन मार के चाय पी लेते हैं। और दिए भी सिर्फ 2 है, फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाए तो फिर हम आपको कुछ खाते मिलेंगे। मम्मी कैसी है वैसे? बढ़िया, प्यास लगती है। हाँ उसको क्या है देरी। तो हम सबको देखे ये भी खाने बैठी है, मुझे तो बहुत मजा आया आज। मेरी मन पसंदीदा चाय बनी थी, तेरे को कैसे लगे हैं? शौक लगा है क्या कोई? मैंने लड़की बोल रही थी क्या सुबह सुबह पूरी बनानी थी, खाने बैठी हूँ भी 3-3। टेस्टी इतनी थी, मैं तो एक और खा लेती। टेस्टी होगी ना, बनाई थी किसने? मम्मी ने। मैंने। और ये कंस्ट्रक्शन है यार, दिमाग खराब करके रखा है। सो तब चूचू, उठो तब तू चू थू थू। तो अभी हम लोग बैठे थे तो बैठे बैठे जा चुकी है लाइट, अभी लगेगी सबको गर्मी। मम्मी बोल रही थी भैया का टीवी चालू है, मैंने कहा बंद हो गया। और मम्मी शाम की तैयारी करने बैठ गई है, शाम की भी दोपहर की। अच्छा अभी दोपहर का किस बात के? हमारा कब सुबह कब शाम कब रात कब दोपहर, हम ऐसे ही है। हमारे कुत्ते भी ऐसे, हमारे ऐसे ही। घेरा कहाँ गया घेरा? इसको जाना है किचन में, पर नहीं जाने दे सकते किचन में। किचन में होता है गंदा गंदा। तो फाइनली आईब्रो करने वाले आ चुके हैं, अभी मैं बाहर जाती हूँ, आपको थोड़ा शूट करके दिखाती हूँ। मतलब मुझे भी थोड़ा नर्वस हो रहा है, और ऐसे किसी के सामने वीडियो बना नहीं सकते यू नो ना। तो अभी मैं जाती हूँ, वैसे मैं दूसरे रूम में आई हूँ, मैं जाके आपको दिखाती हूँ। जितना मुझसे हो सका मैं आपको दिखाऊंगी। दीदी के फिलहाल आईब्रोज चल रहे हैं, फिर मम्मी के होंगे, फिर मेरे होंगे, फिर देन देखते हैं दीदी शायद वैक्स वगैरह भी करवाए। तो मेरे आईब्रो भी डन हो चुके हैं, एंड मैंने अपर लिप्स कराए हैं। बहुत जलन हो रही है बट ठीक है, अभी मुंह अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो अभी मम्मी की बारी आई है, मम्मी अपना करवा रही है, मैं जाकर आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी जगह। तो फाइनली आज हमारे आईब्रोज वगैरह हो चुके हैं, ये रे ये लड़की के भी हो गए, इसने वैक्स भी कराई, मैंने आपको दिखाया। इसके भी आईब्रो काफी अच्छे हुए हैं। और हमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कुछ मंगवाया था, ऑनलाइन ये मंगवाए थे अर्बन कंपनी से, और रीजनेबल प्राइस था, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं था। और इनकी सर्विस इससे पता, इसने ज़्यादा करवाया, इसको पता है, बहुत बढ़िया है सर्विस, अच्छे से एकदम शांति से किया। आप भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो आप सबने किया होगा, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं किया, तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो मम्मी ने भी आईब्रो करवाए, मम्मी कैसा लगा आईब्रो? तो अच्छे हैं भाई। हाँ मम्मी के आईब्रो काफी अच्छी कर दी है मम्मी ने।
और मम्मी यहाँ पे गाने सुन रही है सिद्धू जी के। जा रहे हैं जो हमने परसों गाड़ी की फोटो भेजी थी ना, वो मतलब हेडलाइट ठीक कराने उनका फोन आ गया कि आपकी हेडलाइट आ चुकी है, चेंज करवा जाओ। जैसे मैं दो दो बोतल लेके जा रही हूँ, भैया को बहुत प्यास लगती है, पानी तो पीना, खाने के बगैर चलेगा, पानी तो चाहिए चाहिए। चलो ठीक है, नहीं खाते घर से खाना, खाना बाहर जाना तो प्यास तो लगती और उसका बकरी जैसे मुँह चालू ही है, क्या खा रही है? हाँ दो लेंगे, दो भैया आप मेरे दो पेट पे बांध लो। बेसमेंट में जिम है, उनसे पूछने गए कि यहाँ पे आ सकता हूँ कि मैं नहीं। भैया को भी बहुत शौक है जिम करने का, वर्कआउट करने का, बॉडी शॉडी बनाने का, है दो तीन इंसान हो गया। भैया पूछ रहे हैं, बोले बेसिक जिम ज्यादा सामान नहीं है, भैया को चाहिए एकदम हैवी वर्कआउट, है ना? तो इसका मतलब ना समझे भैया को पसंद है, कि भैया बोले इतना सामान तो हमारे घर पे ही पड़ा है, तो मैं क्यों हूँ यहाँ पे, कैंसिल। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और हमारी हेडलाइट्स चेंज हो चुकी हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको लाइट दिखाऊं एक बार, मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत पब्लिक बहुत है। ये रही लाइट है, वाइट कलर की कलवाई है, वो देखो कितनी चमक रही है, क्योंकि वो न्यू है या पुरानी है, एक बोलते हैं ना वो, नज़र पट्टू हमने रखा है, भैया ने बोले चलेगा एक खराब, क्योंकि एक ही महंगी पड़ी, दूसरी चलेगा थोड़ा, लाइट दिखता तो है ना, लाइट तो दिख रही है ना, वाइट है और क्या चेंज करा। अब लाना बॉक्स, बॉटल बॉटल ना लेके चलो, अरे शायद वारंटी वगैरह है। तो अभी जस्ट घर पे आए हैं, अभी वेट करते हैं कि पीटर कब लेके जाए। पीटर ने खाना खा लिया है, हिटलर ने भी बहुत सब कुछ खा लिया है, उसने मेरे कह के पूरी हड्डी खाई और फिर उसको अपने पास रख लिया है। मैंने हड्डी सेव करते हैं, जब मैं नहीं हूँ तब देते हैं, जब मैं होती हूँ तब देते हैं, तब इसको देते हैं। अभी बस मैं काम वाम करके फ्री हुई हूँ, काम तो जिस अभी बस मैं काम वाम करके फ्री हुई हूँ। लड़की तो अभी बाहर जाके आई, इसने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए। अच्छा वो बोल रही हो कि पीटर हिटलर को भी लेकर जाएंगे, और एक बार नोटिस करना जब से हमारा काम नहीं आ रहा है ना, हाँ हम बिजी सॉरी बहुत मतलब क्या बोले, आराम फरामोश हो चुके हैं, आराम बहुत फरमाते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, मुझे भूख बहुत लग रही है जब से घर में काम नहीं आ रहा है, जब से ये वाली जगह खाली पड़ी है ना, तब से ये पेट में बहुत जगह बन जाती है। पहले थी? नहीं, पर काम में सच्ची में भूख कम लगती है, फिर इंसान को भूख लगती है। मैं बस इस जगह को भरा हुआ चाहती हूँ, फिर से हरा भरा चाहती हूँ उस जगह को। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, पीछे बज रही है सीटी, सीटी क्यों बज रही है, क्योंकि बन रहा है काले चने, सीटी बज रही है। और मम्मी दीदी सब लोग इधर बैठे हैं, भैया गया थोड़ा बाहर काम करने, मतलब आ चुके हैं। और ये इस तरह तो अभी बजे हैं रात के 12:30, और अभी मैं खा जा रही हूँ खाना, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है, अभी प्लेट से ज्यादा सामान है। वाओ, और आज मैं खाते खाते मतलब एडिटिंग करते करते थोड़ी देर सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ, तो अभी मैं एकदम एक्टिव हूँ। अभी हम थोड़ी सी वीडियोस भी बनाएंगे और फिर सोएंगे, क्योंकि आज टाइम है, कल हमारा वापस से काम स्टार्ट होने वाला है, तो कल कोई टाइम नहीं लगने वाला है। और आज एकदम परफेक्ट रेडी हो चुके हैं, और ये शिमला मिर्च भी लगी जो उसने शाम को बनाई थी। आज तो खाना ही खाना है, मेरे को खाने का टाइम नहीं है। हमने सारा सेटअप कर लिया है, ये रही हमारी एक लाइट, ये रही हमारी रिंग लाइट, और हमें ना रिंग लाइट के लिए चाहिए था स्टैंड वगैरह, और ये टूटा फूटा है तो हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। तो फिर मैं फटाफट से रेडी होकर बना लेती हूँ अपनी वीडियो, फिर सोती हूँ, थोड़ी नींद तो आई है बट वीडियो बनानी जरूरी है। तो हमने वीडियोस बना ली हैं, और आप जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें 4 या 5 बज ही जाते हैं, 4:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी दीदी मूड होने के लिए, मैं भी जस्ट अभी मूड होकर आई हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे यहाँ पे अभी कल निकलने वाला है, तो मेकअप लगा के ज़्यादा देर नहीं।